अपने अनोखे फैसले के लिए चर्चित किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने एक अनोखा फैसला सुनाया है। एक किशोर की प्रतिभा को देख जज ने न सिर्फ उसे रिहा किया बल्कि उसकी पढ़ाई का खर्च का भी जिम्मा लिया। इंटर की पढ़ाई का पूरा खर्च वे उठाएंगे। मैट्रिक परीक्षा में 77% अंक लाने पर बालक को रिहा कर दिया गया। मामले की सुनवाई और फैसला वर्चुअल माध्यम से किया गया। मारपीट मामले में किशोर आरोपी था। आरोपित किशोर महादलित परिवार से है। इसकी माली हालत बहुत ही खराब है। किशोर की 7 बहनें और 2 भाई हैं। इसके पिता विक्षिप्त हैं और माँ अक्सर बीमार रहती है। ऐसे में इस मेघावी छात्र ने कोर्ट में आवेदन देकर आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की थी। इसके मद्देनजर जज ने दीपनगर थाने से इसके परिवार से संबंधित सारी रिपोर्ट मंगवाई। छात्र की कही बातें सही पाने पर उन्होंने बालक की रिहाई करते हुए इंटर की पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का जिम्मा लिया। दीपनगर थाना का मामला था और दो पक्षों के बीच में नाली को विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें किशोर को भी नामजद किया गया था। उसकी प्रतिभा को देखते हुए किशोर इस बार मैट्रिक की परीक्षा 77% अंकों से पास किया है। उसमें एक किशोर उसकी प्रतिभा और लगन को देखते हुए उसको बरी किया गया है। और वो किशोर जो है पढ़ने की इच्छा रखता है, इस वजह से ये प्रधान दंडाधिकारी जो है उसका कोचिंग का फीस वहन करने का उन्होंने खुद निर्णय लिया है।